समाचार प्लस आप देख रहे हैं, मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर जिले की खबर आप तक पहुंचाएंगे। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज करेंगे सैफई का दौरा, कई योजनाओं और भवनों का करेंगे शिलान्यास। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सैफई। मुरादाबाद में राज्य मंत्री ने आज विक्रांत कुरैशी ने इशारों में बसपा सुप्रीमो मायावती के कुंवरेपन पर निशाना साधा। इटावा में चल रही विकास योजनाओं का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि हम अपनी खामियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दौरे के अंतिम दिन लखनऊ पीजीआई के सामने स्थित माधो सेवा आश्रम में रज्जू भैया सदन का लोकार्पण किया। मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार पाकिस्तान में बैठे आपसी सहित देश अहित में बात करता है, उसी प्रकार ओवैसी देश में हरकतें कर रहा है। गाजियाबाद की मसूरी में धोलाना के बीएसपी के विधानसभा प्रत्याशी वासिद अली ने एक चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पहुंचना था, लेकिन जरूरत से ज्यादा भीड़ होने पर स्थिति बिगड़ती दिखी। जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के सतना में लूट, डकैती, हत्याकांड जैसी कई घटनाओं को अंजाम देने वाले एक इनामी बदमाश जिलेदार यादव को जौनपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस बदमाश के पास से तमंचा, लूटी मोटरसाइकिल और काफी कैश भी बरामद कर चुकी है। बैराज में पुलिस लाइन ग्राउंड ने पुलिस विभाग में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत नेपाल बॉर्डर के थानेदार ने पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी की मौजूदगी में ठुमके लगाए। बिजनौर में 5 दरिंदों ने 10 साल की मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के 3 आरोपियों की तलाश जारी। बहराइच की संगीता ने 7 फेरों को बुलाकर अपने आशिक से साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके आशिक को गिरफ्तार किया। लखनऊ के गोसाईगंज थाने के कूड़ा मऊ गांव में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और इस संबंध में पुलिस ने पत्नी सहित कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शामली में बालाजी धाम के निकट एक अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शव के पास से जहरीले पदार्थ की खाली बोतल मिली है, जिसे पुलिस आत्महत्या का अंदेशा जता रही। बरेली में एक डॉक्टर ने अपनी 5 माह की गर्भवती पत्नी को कमरे में बंद कर जमकर पीटा। मामले में पीड़िता ने पुलिस में अपने अत्याचारी पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ आंदोलन चला रहे सराफा कारोबारियों ने झांसी में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का घेराव किया। सुल्तानपुर में एक ऐसा गांव है जहां मतदाताओं ने ग्राम प्रधान से लेकर 11 ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर महिला जनप्रतिनिधियों ने चुनाव जीतकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। फिरोजाबाद के थाना टूंडला के निकुंज कॉलोनी में हरियाणा फर्नीचर की दुकान के पीछे बने गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण थाना दक्षिण क्षेत्र के नगला पछिया में पिछले 6 दिनों से बिजली नहीं आ पा रही है, जिससे नाराज लोगों ने सुहाग नगर स्थित बिजली घर पहुंचकर विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद के ननी सेंट्रल जेल में डीएम, एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट जज ने पूरी जेल को खंगाला। हालांकि जेल के निरीक्षण में कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली। डीएम ने कहा कि समय समय पर जेलों का दौरा चलता रहता है और ये एक रूटीन दौरा था। मेरठ में ट्रेन में हुई मारपीट का खुलासा, 9 गिरफ्तार। 20 मार्च को मेरठ सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन के बीच देहरादून एक्सप्रेस में सीट को लेकर मारपीट की गई थी। एक व्यक्ति नासिर नाम के शख्स की हत्या के मामले में रेलवे पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक शोरूम में जा घुसा। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि शोरूम में मौजूद एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। मेरठ में गोल्ड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा का घर घेर लिया और धरना प्रदर्शन किया। फरुखाबाद में देशी अंग्रेजी शराब और बियर के ठेके हथियाने को लेकर सफाई आपस में ही भिड़ गए। आबकारी कार्यालय के बाहर नगर विधायक समर्थकों और सपा के ब्लॉक प्रमुख समर्थकों में जमकर मारपीट भी हो गई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आईसर छात्र संगठन ने एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
छात्रों का कहना है कि रोहित को अभी न्याय नहीं मिला है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनको रिहा किया जाना चाहिए। बलरामपुर में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे को बचाते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपहरणकर्ता बच्चे के पिता से बच्चा छोड़ने के एवज में 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। मऊ में ग्रामीणों ने तमसा नदी में अपनी मेहनत और लगन के दम पर महज 8 घंटे में लकड़ी का पुल बना डाला है। वहीं पुल की लंबाई 70 फीट से ज्यादा है। इतना नहीं, पुल बनने से नदी के पार रहने वाले ग्रामीणों का आवागमन आसान हो गया। गोरखपुर में बेरोजगार फार्मासिस्ट सेवा संस्थान के लोगों ने पंथ पार्क से पदयात्रा कर जिला कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बैराज में पत्नी के नाजायज संबंध होने पर आग बबूला हुए पति ने पत्नी और उसके आशिक को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी धनीराम और उसके भाई ओमकार को गिरफ्तार किया। गोरखपुर के बांसगांव प्राथमिक केंद्र पर दिनभर हंगामा चलता रहा। मरीजों का अस्पताल पर जमावड़ा लगा रहा मगर शाम तक डॉक्टरों का पता नहीं चला। अयोध्या में हुए आतंकी हमले पर फैसला टल गया है। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर में 11 साल पहले हुए आतंकी हमले में 30 मार्च यानी आज कल फैसला सुनाया जाना था लेकिन अब यह फैसला 12 अप्रैल को सुनाया जाएगा। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में परीक्षा देकर घर लौट रही किशोरी को गांव से ही दबंगों ने बाइक पर जबरन उठाकर 2 दिनों तक सामूहिक रेप किया। किसी तरह से लड़की अपनी जान बचाकर उनके चंगुल से भाग गई। आगरा में एक युवक ने अपनी बहन के साथ खुद को गोली मार ली है। युवक का पत्नी से विवाद चल रहा था, तनाव के चलते खुदकुशी की। पुलिस को मौके से मिले हैं 2 तमंचे। मेरठ में मैराथन प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुकी है। मैराथन में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने मेडल वितरण न होने पर जमकर हंगामा किया। 1000 महिलाओं के लिए बनने जा रहे स्वाधार गृह का केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भूमि पूजन किया। वृंदावन में आकर रहने वाले निराश्रित और विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार यहां 3 एकड़ जमीन पर एक महिला स्वाधार गृह बनाने जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर के गोविंदपुरी इलाके में एक इन्वर्टर और बैटरी के शोरूम को चोरों ने निशाना बनाया। चोर शोरूम से 2 लाख रुपए नकद और लाखों की बैटरी और इन्वर्टर लेकर रफू चक्कर हो गए। बागपत में अमीन नगर सराय में शराब के नशे में चूर एक युवती ने जमकर बवाल काटा। शराब के सुरूर में मघूर हुई इस लड़की ने सड़क से गुजर रहे लोगों के साथ गाली गलौज की। कानपुर की चकेरी पुलिस ने गैंगरेप और लूट के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी अभियुक्तों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। महिला से गैंगरेप किया गया और लूटपाट कर फरार चल रहे थे बदमाश। घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही है। फिरोजाबाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 बाइक सहित 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इस ग्रुप के अभी और भी सदस्य फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मैनपुरी के आजाद नगर से 2 नाबालिग लड़कियों को दबंग उठाकर ले गए। दबंग यही नहीं रुके, उन्होंने नाबालिग लड़कियों के परिजनों को चुनौती भी दे डाली और कहा कि जो कुछ करना है कर लो, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। हमीरपुर जिले में खेत गई महिला को 3 दबंगों ने धारदार हथियार से कई बार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। फतेहपुर जिले के मलवा इंडस्ट्रियल एरिया के बांके बिहारी प्लाईवुड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फिरबदल के बाद 9 आगंतुक जिलाधिकारी योगेश कुमार जनपद बांदा पहुंचे, जहां सबसे पहले जिलाधिकारी बांदा के सर्किट हाउस पहुंचे और उन्होंने जिले के तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। फिरोजाबाद के थाना टूंडला में हरियाणा फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह काबू पाया। उत्तर प्रदेश में ट्रेनी आईएएस के तबादले के बाद बड़े स्तर में प्रदेश में आईएएस को भेजा गया, जिसमें हमीरपुर जिले में नए जिलाधिकारी उदयवीर सिंह यादव ने जिले की कमान संभाली। मैनपुरी के करहल कस्बे में गिरोर चौराहे के पास हुई बार दुर्घटना में नवयुवक की मौत हो गई, जिसके बाद हाथ में डंडे लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। हाथरस में केंद्र सरकार के खिलाफ सराफा व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा और इसी को लेकर सराफा व्यापारियों ने नगर में नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला है।